सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी सरकार के मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हाल ही में एसीबी द्वारा विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक भरत सिंह ने कहा, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस एंटी करप्शन डे पर प्रदेश में 4 जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश के एसीबी विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। यह वह खरपतवार है जिसे एसीबी जितना काटे उससे तेज गति से यह फैलती है। अतः जहाँ तक सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त नहीं करते हैं, वहाँ तक भ्रष्ट नेताओं के सारे यह बेल शिखर तक पहुँच कर खिलती है। बारा के जिला कलेक्टर श्री इंद्र सिंह राव इसकी एक मिसाल है। श्री इंद्र सिंह राव 3 दशक की नौकरी में 6 बार APO व 1 बार सस्पेंड हो चुके हैं। प्रश्न ये उठता है कि भ्रष्टाचार में ख्याति प्राप्त इस अधिकारी को बारा में क्यों जिला कलेक्टर लगाया गया। गत 6 माह में बारा जिले में अनेक भ्रष्ट अधिकारी एसीबी द्वारा पकड़े गए हैं। यह विडंबना है कि बारा जिले में ईमानदार अधिकारी रह नहीं सकता व भ्रष्ट अधिकारी हट नहीं सकता। आपसे अनुरोध है कि मंत्रिमंडल से खरपतवार को कृपया हटाने का श्रम करें ताकि जनता को राहत मिल सके। यह पहला मौका नहीं है जब विधायक भरत सिंह ने अपनी सरकार के मंत्री पर निशाना साधा हो। वह इससे पहले भी अपने मंत्रियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।